अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन क्रीमी तिरंगा प्लेटर। ये ज़बरदस्ती रेसिपी है, बहुत ही उम्दा और लाजवाब इसका टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये इंडिपेंडेंस डे पे मैंने स्पेशल तैयार किया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 किलो चिकन है, हमने इसे बोन के साथ लिया है, थाई का पीस है, थोड़ा सा चेस्ट का पीस है इसके अंदर। 1.5 केजी चिकन रखा हमने वॉश करके एक बाउल में। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के हमने डाला है जीरा, ये भुना हुआ नहीं है, पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, सारी एक पूरा नींबू का रस है उसके अंदर। अब उसमें डालेंगे 6-7 हरी मिर्ची क्रश की हुई है, क्रश की हुई हरी मिर्ची ज़रूर डालिएगा, और 1 प्याज है पीसी हुई है, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी हमने, उसे मिक्सर में ब्लेंड करके हमने इसमें बस डाला है। ये काजू और खसखस का पेस्ट है, काजू और खसखस मैंने 1-2 घंटा पहले भिगा लिया था और उसको हम पीस के इसमें डालेंगे। इसको अब हम आधा डालेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। रेसिपी पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। ये 1/2 कप दही है, प्लेन दही है, ना ज़्यादा खट्टी है ना ज़्यादा मीठी है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे हम। अब इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी रेसिपी की जितनी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। ये हमने मिक्स कर लिया सारा चिकन अच्छे से, 1 घंटे के लिए या 1/2 घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देंगे, आपके पास जितना टाइम हो। अब एक घंटा हो गया था, एक पैन लिया है हमने, उसमें 3 टेबल स्पून भर के वेजिटेबल ऑयल डाला है, अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है हमने। अब इसे हीट होने देंगे, ये हीट हो गया था, एक एक पीस करके हम इसके अंदर डालेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, सारा जितना चिकन इसके अंदर आपका आ सके उतना डालिएगा। ये देखिए हमने सारा चिकन इसमें डाल दिया है, फ्लेम हमारा अभी भी हाई है। ये जो मसाला हम इसे साइड में रखेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। हाई फ्लेम अभी भी है हमारा, देखिए इस तरीके का स्पॉट चाहिए हमारे चिकन में, इस तरीके का स्पॉट चाहिए सारे चिकन में। जितना चिकन में हमारा होगा हम इसे फटाफट से पलट लेंगे। इसका पूरा हाई फ्लेम बनाने का ये है कि इसका जो पूरा जूस है उसके अंदर लॉक हो जाए, बाहर बिल्कुल भी ना जाए। अच्छे से हमने सारा चिकन को पलट लिया है, अभी भी हम 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे ही रख के इसे पकाएंगे अच्छे से। देखिए चम्मच से हम इसको अब अच्छे से चला लेंगे, सारा हमारा ये अच्छे से हो गया है, चम्मच से हम इसे अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट और रखेंगे, हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इसका, ज़बरदस्त सा। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में साइड में। अब उसी पैन में वही ऑयल है, ऑयल हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है उसके अंदर, बस छान लिया था ऑयल को। उसमें 1 टेबल स्पून भर के बटर डालेंगे, 6-7 लहसुन की कलियां उसको चॉप करके उसमें डालेंगे। अच्छा सा थोड़ा सा वो हो जाए, भुन जाए लहसुन, तो उसमें 1 टेबल स्पून भर के मैदा डालेंगे। मैदा का कच्चापन हम ख़त्म करेंगे भून के बटर के अंदर, गार्लिक के अंदर, इसका टेस्ट तो लाजवाब आ गया था। ये हमारा अच्छे से भुना गया है मैदा, कुछ भी लम्स नहीं आया। देखिए उसके अंदर 1 कप भर के हम दूध डालेंगे, दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक बॉयल आने देंगे अच्छा सा हम उसके अंदर, ये बॉयल हमारा आ गया है, उसे एक बार अच्छे से चला लेंगे हम। अब जो मसाला हमने बचाया था, जो मैरिनेशन का मसाला था, सारा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अरे कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। बिल्कुल भी डरिएगा मत, रेसिपी सच में बहुत चटपटी सी थी, टेस्टी थी। 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च के पाउडर है, मतलब ब्लैक पेपर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें उस वक्त तक इसे भूनना है जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तो भुनाई उस वक्त तक की करनी है हमें जब तक पूरा ऑयल ऊपर तय पे ना है। अब ये काजू का पेस्ट और खसखस का पेस्ट है जो हमने शुरू में चिकन में मैरिनेट किया था, इसे हम सारा जितना भी बचा हुआ था डाल देंगे और थोड़ा इसमें पानी मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे कि सारा पूरा लिक्विड इसके अंदर आ जाए
और फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। मिक्सिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें हम डालेंगे हनी, मैंने डाबर का हनी यूज़ किया, आप कोई भी हनी यूज़ कर लीजिए। एक टीस्पून भर के हनी था, बिल्कुल भी डरिएगा मत कि हनी डाल दिया अरे इसका टेस्ट कैसा आएगा। टेस्ट तो आप ऐसा रहेगा कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट था। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे हम, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन में हमने नमक डाल चुका है। अब 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकने रख देंगे साइड में, जब तक हम अपने ग्रिल को ऑयल लगा लेंगे और उसमें चिकन का पीस रख देंगे थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए। ये आप ऑप्शनल है, आप करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन करोगे तो टेस्ट एकदम ज़बरदस्त आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, वैसे ही हमारा चिकन आधा ज़्यादा कुक हो चुका था, बस हमें इसे सिर्फ स्पॉट देना था हल्का हल्का सा, तो बस हमने फटाफट से इसे कर लिया। देखिए इस तरीके का स्पॉट हमें चाहिए था। अब इसी तरीके से हम अपना सारा चिकन ग्रिल कर लेते ग्रिल कर लेंगे, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा एक साइड जो क्रीम था एकदम अच्छे से हो गया, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, पूरा ऑयल बाहर आ गया था उसका, एकदम अच्छे से भुन भी गया था, ज़बरदस्त अच्छे से पूरा चारों तरफ से इसे चला लीजिएगा। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखिए कितना मस्त टेक्सचर आया इसका। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक बाउल में हम उसको अलग अलग करके दिखाते हैं। देखिए एक में एक इधर रखा, एक में हम ग्रीन कलर डालेंगे और एक में हम ऑरेंज कलर डालेंगे। तो इसमें हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे, पहले फूड कलर है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया हमारा कलर। अब इसके अंदर हम ऑरेंज कलर डालेंगे, तिरंगा प्लेटर है तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके उसको स्पेशल एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं हम, और कुछ नहीं। फूड कलर डालने से आपके टेस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इसमें हमने ऑरेंज कलर डाल, अब चिकन को भी हम इसमें डालेंगे, चिकन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा इसमें डाला आधा इसमें डाला और बाकी हम वाइट ग्रेवी के लिए रखेंगे। चिकन को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ग्रीन कलर फूड कलर के अंदर पूरा अच्छे से, ग्रेवी के अंदर ऑरेंज भी ऐसे इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, सारा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये। अब इसे हम साइड में रख लिया, अब ये हमारा वाइट ग्रेवी है, इसके अंदर भी हम सारा चिकन जितना उसके अंदर ऑयल वगैरह सब था हमने सब डाल दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे फिर अब सेट करेंगे। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, ये हमने इसे सेट कर लिया। थोड़ा सा ये होममेड क्रीम है, मलाई है, मतलब मेरी घर की मलाई है दूध के ऊपर की, वो ज़रा सा हमने ऊपर से स्प्रेड कर दिया था और अच्छे से थोड़ा सा फैला लिया था लुक देने के लिए वाइट कलर का अच्छा सा। देखिए ये हो गया सेट, अब एक साइड हम रख देंगे ग्रीन कलर को पूरा। और दूसरे साइड रख देंगे हम अपना ऑरेंज कलर। ज़बरदस्त सा चिकन प्लेटर है, कोई भी ओकेजन हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ओकेजन हो, कोई भी ओकेजन हो आपके घर में पार्टी वगैरह हो तो भी आप इसे बना सकते हो। अब हमने इसे गैस पे हम इसे रखेंगे सिर्फ 3 मिनट पे एकदम दम के फ्लेम पे, कि बस जो थोड़ी बहुत भी कसर हो वो ख़त्म हो जाए, इसके अंदर पक जाए अच्छे से हो जाए। देखिए 2-3 मिनट हो गया, हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, अब इसे हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है चिकन क्रीमी तिरंगा प्लेटर, ज़रूर ट्राई करिएगा किचन विद जायका के स्टाइल में, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे इस तरीके की रेसिपी। अब इसे हमने सर्व कर लिया है कुछ सलाद के साथ, रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिए ज़रूर, बहुत मेहनत लगती है सब रेसिपी बनाने में, आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल फॉर किचन विद जायका की तरफ से, अपनी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।